प्रस्तावित रैली बहुत लंबे समय से पूर्णिया में प्रस्तावित था, बट क्योंकि साहब का माननीय मुख्यमंत्री जी का नेता का हम लोगों के समाधान यात्रा का विजय हो रहा था, समाधान यात्रा कर रहे थे, इसलिए इसका डेट पड़ा है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अमित शाह के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है, तो पहले से लेकिन, सीमांचल जगह भी आप लोगों ने चुना है, उसके पीछे क्या कारण है? इस सीमांचल हर एक हम समझते हैं कि प्रमंडल में होगा, भी आज पूर्णिया में है और पूर्णिया का बहुत पहले से प्रस्तावित था और पूर्णिया में है, फिर और भी जगहों पर होगा, तो महागठबंधन की रैली तो होगी सब जगह, होगी धीरे धीरे। फिर अब बजट का सत्र है, बजट सत्र के बाद पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होगी। अब आप ही बताइए, उपेंद्र कुशवाहा जी एक सीनियर लीडर है, पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं, खुद भी उनकी एक अपनी पार्टी रही है, उस पार्टी को उन्होंने जनता दल यूनाइटेड में मर्ज किया है और प्रेस के माध्यम से बात करते रहेंगे, तो क्या उचित है कि प्रेस के बाहरी अब ललन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, बात करने से उनको कौन रोका है? लेकिन अब जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप, कभी हिस्सेदारी की बात करते हैं, कहते हैं कभी पार्टी कमजोर हो रहा है, तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट बयान है ना, हमको लगता है कि मन अस्थिर नहीं है। भले तो कोई भी व्यक्ति कहीं रहता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में रात रहता है, तो मन अस्थिर होना पड़ता है। हम समझते हैं मन अस्थिर हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मन ही अस्थिर रहेगा तो कहाँ कहीं कुछ नहीं में है। अब तो देखिए ऐसा है ना कि अब तो चुनाव का चुनावी साल है, ऑलमोस्ट एक साल में चुनाव होने वाला है, देश जो है पूरी चुनावी मोड में जा रहा है, तो जो लोग है सबको तो पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे, तो उसको बहुत बड़ी भारी न्यूज़ है। लेकिन आरसीपी सिंह नालंदा में सभा कर रहे हों, तो और नालंदा में भी कर सकते हैं, छपरा में भी कर सकते हैं, वो तो पूरे प्रदेश के देश के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कर्नाटक में भी कर सकते हैं, चेन्नई में भी कर सकते हैं, कौन उनका है, तो स्वतंत्र हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ये कोई खबर थोड़ी है, ये कोई खबर थोड़ी है, आरसीपी सिंह हिलसा में मीटिंग कर रहे हैं, कोई खबर थोड़ी है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी मीटिंग कर सकता है, तो चुनावी साल है तो सबको मीटिंग करेगा। मुख्यमंत्री का जिला है, इसलिए मुख्यमंत्री का जिला है, तो मुख्यमंत्री के जिला में इसके पहले नरेंद्र मोदी नहीं गए हैं, इसके पहले चिराग पासवान नहीं गए हैं, इसके पहले कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं गए हैं, हर कोई चुनाव में जाता है नालंदा, लेकिन हर बार पटकनी खा के आता है। बिहार बदलाव रैली कर रहे हैं आरसीपी, बिहार बदलाव, हाँ 17 साल में तो वही सब कुछ करवे किए हैं, अब बदलाव भी वही कराना, अपना ही किया हुआ चीज का बदलाव क्या करेंगे, 17 साल तो वही ना थे सीएम के साथ भाई। बहुत लोग हैं, कोई रामेश्वर मतो, हमारे जब से 22 साल का हमारा क्या नाम है तो इसमें डेमोक्रेटिक जो है उसमें 22 साल का हमारा लाइफ हो गया, 2000 में पहली बार 32 साल की उम्र में मंत्री बने थे, अब उम्र 54 साल हो गया, तो ये बहुत लोग बहुत कुछ कहे, जो आदमी होता है उसको लोग समझते हैं और पहचानते हैं, तो हमारी निष्ठा नीतीश कुमार के साथ, सिंपल बात। अब नीतीश कुमार के लिए कोई कुछ अब शब्दों का उनको डिमोरलाइज करने का प्रयास करेगा, तो घर में माँ बाप के आपको कोई कुछ करेगा तो आप कैसे खड़ा होते हैं, बाल बच्चा खड़ा होता है, तो हम लोग भी उनके बाल बच्चा, हम लोग खड़े होते हैं, अब उसमें कोई कोई टीका टिप्पणी करेगा क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं। ऐसे लोग मेरे जीवन में बहुत आए, कोई नया कोई थोड़ी है, बहुत लोग आए और आने वाले जीवन में भी बहुत लोग आएंगे, क्या फर्क, आप अपना काम करिए, अपना ये जिम्मेवारी मिला है उसका निर्वहन करिए निष्ठा से, बस काम खत्म। जो जो भी व्यक्ति इसमें है कर चोरी के मामले में होगा तो अपना कानूनी कार्रवाई होगी, उनको लगता है कि हमारे साथ नजायज किया जा रहा है, वो अपना डिफेंस लेंगे, लीगल वो अपना प्रोटेक्शन लेंगे, कौन बता। लेकिन बीजेपी बजट अध्यक्ष का कहना था, कह रहे हैं कि वो हम पहले से कहते रहे हैं कि बालू और शराब मामले में अगर जांच होगी सरकार के लोगों से पकड़े फंसे। कितना दिन पहले राधा चरण साहब हम लोग के साथ आए हैं, अब बीजेपी नहीं था जब आए थे वो, तब राधा चरण साहब के प्रचार में बीजेपी के लोग नहीं गए हैं, मंगले पांडे ने हमारे साथ गए हैं, क्या फालतू वाला बात बोलते हैं।